विभाग के ऑफिसर वहाँ मौजूद होंगे, वीडियोग्राफी होगी। लेकिन मैडम अभी आपको मैं दिखाऊंगा, 20 फीट की रोड की बात की गई है, लेकिन पुराना दरबार की जहाँ सलाद है, यहाँ खंभे लगे हैं, हम लोगों ने दफाई की है, वहाँ से 40 फीट का दरमियान लिया गया है। और दूसरी बात यह है मैम, 4 फीट जो दीवार जो दिखाई जा रही है, ये अगर धरातल से नापी जाएगी, जहाँ से प्लास्टर स्टार है, जहाँ से रोड समागम है, वहाँ से मैम 5.5 फीट का है, तो वायलेशन है। और उसमें एक पॉइंट ये भी लिखा है, यदि कोई भी बिंदु उसका अनुपालन या वायलेशन होता है, तो ये NOC जो पुरातत्व विभाग MDO को दे रही है, कोई भी इसको तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। और मैडम जैसा बात की गई थी पर्यटक स्थल के रूप में इसको डेवलप करने की, आप ये देख रहे हैं, आप बहुत बुद्धिजीवी मैडम, बहुत पढ़े लिखे हैं, आप देखिए सिर्फ एक लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सारा कार्यक्रम किया गया। अगर आप किसी चीज को पर्यटक विभाग में विकसित करना चाहते हैं, तो ये 3 तरफ की दीवार कौन करेगा, एक तरफ का गेट कौन लगाएगा, यहाँ वॉशरूम की मतलब बात कही गई थी कि LOC में लिखा है कि वॉशरूम बनेंगे, हॉल बनेंगे, तो ये सब नजारा है। आप अपना काम कर रहे हैं, आपने पहले दीवार लगाई फिर रोड बनाई। आज हम जो एरिया के बाबू से बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं बाउंड्री जो लास्ट चौर पर होनी चाहिए, लगभग 36 फीट इधर बनाई, वो ये कहते हैं मैडम कि हमारे पास 1,47,00,000 का जो बजट पास हुआ था, वो हमारा सारा खत्म हो चुका है। अब आप पुरातत्व विभाग निदेशक मैडम से रिक्वेस्ट करिए, मतलब हमारी धरोहर आप कह रहे हैं, और हम फिर रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप फिर से इनको दीजिए और ये 4 दीवारी करें। तो मैडम आपसे हमारा जो डेलीगेशन है मैम, इसमें 22 संगठन मौजूद है, और आज उत्तर प्रदेश के अलग विभिन्न जनपदों से मैम, कौशाम्बी, रायबरेली, प्रतापगढ़ और मैम अगल बगल के क्षेत्रों से, गोरखपुर, महाराजनगर, बहुत जगह से लोग आए हुए हैं मैडम, और इसीलिए हम लोग हट पे थे कि आप आए, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है और ये बाहुल्य क्षेत्र है। मैंने ये कहता कि ये पासी है या कुछ, मैं कहता हूँ राष्ट्र की धरोहर है, हर एक व्यक्ति को उसको बचाने की आवाज उठाई जानी चाहिए। तो मैडम आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि त्वरित इसकी पहले आप जांच कराइए उच्च स्तरीय, और एक हमने माननीय नायब तहसीलदार मैडम को एक FIR करने का प्रार्थना पत्र भी दिया है कि निदेशक पुरातत्व विभाग और LDA के जो कमिश्नर है, यहाँ के इंजीनियर जिसको एक काम दिया गया और जो ठेकेदार है उसको काम दिया गया, उनके ऊपर एक FIR दर्ज हो, हमारी इतनी रिक्वेस्ट, क्योंकि आदेश का अवहेलना किया है। बिल्कुल, जो उसमें आदेश दिया गया है उस आदेश के अनुसार उनको काम करना चाहिए था, लेकिन उस आदेश के अनुसार वो काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं ताकि उनकी बिल्डिंग अच्छे से बिक जाए, वो पैसा कमा जाए, निकल जाए, टाउनशिप विकसित हो जाए। लेकिन ये जो राष्ट्र की धरोहर है, इसका क्या होगा, इसका कौन जिम्मेदार होगा? तो उन लोगों ने जो काम किया है उस पर हम लोग चाहते हैं विभागीय स्तर पे उनके ऊपर जो है तत्काल उनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए, और उनके ऊपर FIR जब दर्ज हो जाएगा तब जो है तभी ये जो है इसकी जांच होगी। सरकारी क्षति का तो मैडम जो है 100 वोटों की FIR होती है, कोई ना भी करे तब भी हो जाती है, यहाँ तो हो जाएगी, उसके बाद जांच होगी, जांच हो जाएगी, तो ऐसे ठंडे बस्तर डाल दिया जाएगा। ये सर आप इसको पढ़ के अनुजय बोलिए। मैडम सर आप सक्षम अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेटियल पावर आपका है, सारे साक्ष्य सारे प्रमाण आपके सामने हैं, आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, संबंधित जो तहसीलदार आपके साथ है, आप हल्का के सारे इंचार्ज आपके साथ हैं, आपके लिए तुरंत कार्रवाई बनती है। मैडम सर हम लोग तो शांत समाज के लोग हैं, हम कहाँ आक्रोशित होते हैं, हमारा कोई ऐसा एजेंडा है मैडम सर, लेकिन हमारे उसी मानसिकता के अंतर्गत जिन लोगों ने हमारे लोगों को कि हमारी अस्मिता पर चोट पहुँचाई है, उन पर संबंधित और SC/ST का मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति न होने पाए, क्योंकि इस तरह लोग हम लोगों को पीछे हमेशा पीछा करने का प्रयास करते हैं, पिछड़ापन करने का प्रयास करते हैं और हमको परेशान करते हैं। हम लोग तो हमेशा, चूंकि हमारा इतिहास मैडम सर रहा प्रसाद जा संज्ञान न हो, हम लोग तो सदैव देश की रक्षा के लिए काम किए हैं और अपने सारी पुरखे जो हमें हवेली हमारे चले गए हैं मैडम सर, अब आपसे ही न्याय की उम्मीद है, क्योंकि लोकतंत्र में आप एक हमारे न्यायिक राजा हैं और महिला वर्ग से हैं, महिलाओं का हमारे समाज में सदैव सम्मान रखा है मैडम सर, तो हम उस महत्व के नाता और उस सारी शक्ति के रूप में हमारे जानते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि तत्काल त्वरित कार्रवाई मैडम सर होने के लिए सारे साक्ष्य प्रमाण सामने, ताकि ये सारे संगठन के लोग हैं। महोदय जी ज्ञापन में हम लोगों ने लिखा है कि महोदय आज 13/7/2024 महाराजा बिजली पासी जी के पिता महाराज नथावन पासी जी के राज स्टेट नथावनगढ़ जो कि अवध गजेटियर 1877 में उल्लेखित है, मौजूदा समय में नटवाडीह के नाम से प्रसिद्ध है तथा पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है, जिस पर मौजूदा समय में अतिक्रमण जारी होने से पासी समाज उद्वेलित एवं आंदोलित है एवं सामाजिक संगठनों की ओर से मांग पत्र प्रेषित करते हुए हम सामाजिक संगठनों के लोग जो कि कई सामाजिक संगठनों द्वारा एक पासी एका मोर्चा बनाया गया है की ओर से मांग करते हैं कि नथावनगढ़ किला नवाडी किले की भूमि
की उच्च स्तरीय पैमाइश कराकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और किले की भूमि पर हुए निर्माण को अवैध घोषित किया जाए व निर्माण अतिक्रमण हटाया जाए, किले के चारों तरफ बाउंड्री कराकर उसका सौंदर्यीकरण कराया जाए तथा रख रखाव के लिए कम से कम तो चौकीदार स्थायी रूप से नियुक्त किया जाए, जिससे किसी प्रकार के अराजक तत्वों द्वारा फिर से इस तरह के अवैध अतिक्रमण के प्रभावी कार्यवाही की आशा एवं विश्वास के साथ सादर मांग पत्र प्रेषित है भौरी सभी सामाजिक संगठनों के लोग। बाउंड्री भैया पूरा छत्र की जो खम्भा लगी है ना जिस पे डॉक्टर ने घुसी है वही क्या है तो पहले ज्ञापन दे दिया जाए जैसे पूरी जमीन अभिलेखों में कराई जाए यही तो नहीं करते मैडम रिक्वेस्ट है एफ आई आर जिन लोगों ने काम किया उन पर एफ आई आर जब एफ आई आर मैम के पास वही बोलेगा नहीं बन जाए।